अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने YouTube चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। मैं आज बताता हूँ आपको कि अगर आपने किसी कोका कोला की बोतल में पौधा लगाया है और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं दूसरे गमले में, तो उसके लिए क्या सूरत हाल इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोतल ऐसी होती है कि इसमें से आप आसानी से पौधा नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको एक काविया चाहिए। काविया ले कर आप उसका पहले जिस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ वीडियो में, उसी तरीके से आपने वो तरीका जो है वो अडॉप्ट करना है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो फैल चुकी होती हैं और इसकी सतह जो है वो स्मूथ नहीं होती, ये फंस जाती है मिट्टी, और अगर इसको निकालने की कोशिश करें तो इसमें से जड़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं और पौधा जो है वो नई जगह पर लग के जो है वो चलता नहीं है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि इसका एक सर्कल नीचे से कट कर लिया जाए और इसका फिर जो ऊपर से एक चीरा जो है वो ऊपर से दे के नीचे की तरफ जब आप लेके आएंगे तो इसका पेट जो है वो खुल जाएगा। ये देखें, ये इसका पेट खुल गया और नीचे से पौधा जो है वो निकल आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरे को पूरा जो है वो सही तरीके से निकाल के ले आऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत कर लें तो ये आपका पूरे का पूरा पौधा जो है वो आ जाएगा। ये देखें, इसमें जड़ें जो है वो कैसे नज़र आ रही है आपको। दरअसल हुआ ये कि जितनी मिट्टी थी उसमें जितना खुराक इसको मिल सकती थी वो इसको खुराक मिली है। अब इसकी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऊपर से 6 टमाटर, इसको 6 या 7 टमाटर जो है वो इसको लगे हुए थे, तो इतने ही तो इसने पाल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई। ये देखें, मिट्टी का जो नीचे वाली जो एरिया है वो पुराना एरिया था, उसके बाद मैंने इसको जब फूल लगे तो फिर मैंने इसमें खाद वगैरह डाली थी तो इस एरिए को फिल कर दिया था। तो आपने बड़ा गमला लेके नीचे पत्ते रख लेने हैं ताकि वो मिट्टी जो है वो रास्ते को ब्लॉक ना कर सके और पानी की वेंटिलेशन जो है वो होती रहे, नीचे से पानी जो है वो मिल भी जाए और ऊपर से पानी अगर डाला हुआ है तो वो नीचे भी चला जाए। तो इसको यहाँ रख के आप मिट्टी इसकी कर दें, फिलिंग कर दें। होगा ये कि इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें जब जब जैसे जैसे फैलना शुरू करेंगी तो इसके ऊपर फूल भी आएंगे और इसके ऊपर टमाटर जो है वो नए भी लगेंगे, नई ब्रांचेस भी बनेंगी, क्योंकि आमतौर पर फल जो है वो नई ब्रांचेस पे बनता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि अगर आप छोटे गमले से बड़े गमले में आप ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपने मिट्टी डालनी है वो मिट्टी ज़रखेज़ मिट्टी होनी चाहिए, उसमें नामियाती खाद जो है वो भी हो और मिट्टी भी हो, ताकि उसको पूरे पूरे प्रोटीन और नमकियात जो है वो अच्छी तरह खुराक का उसको कोई मसला ना हो, ताकि ये अपना सफ़र जो है वो आगे कामयाबी से कर सके। तो इसके बाद इसको पानी लगा दें। पानी लगाने के साथ ही आपका जो ट्रांसप्लांटेशन का जो अमल है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बताएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।